मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मध्य प्रदेश में और खास तौर पर राजधानी भोपाल में कुत्तों के बढ़ते आतंक की समस्याओं को सामने रखा है। क्या कुछ कहा उमा भारती ने अपने पत्र में, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार और मैं हूँ आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। दरअसल इस वक्त आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई इलाकों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें कुत्तों के काटने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी शामिल हैं। वहीं समस्या को उमा भारती ने उठाया है। आपको बता दें कि इससे पहले उमा भारती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी थी और कहा था कि मध्य प्रदेश में और भोपाल में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रशासन को इसको लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इससे बचने के लिए किया जा सकता है ये प्रशासन को करना चाहिए, और अगर प्रशासन ने वह सब कुछ नहीं किया तो ऐसे में आगे इस मुद्दे को लेकर उमा भारती जाएंगी। वहीं अब इस कड़ी में उमा भारती ने एक पत्र जारी किया है डॉक्टर मोहन यादव के नाम का, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि उमा भारती ने अपने पत्र में लिखा है कि पूरे प्रदेश में खासकर भोपाल में श्वानों यानी कि कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने के प्रकरण आपकी जानकारी में होंगे। उनसे बात करते समय तथ्य भी सामने आ गया कि निर्माण कार्य में लगी कंपनियां अपने यहां कार्यरत मजदूरों के बच्चों और स्त्रियों के संबंध में हमारी सरकार की बनाई श्रमिक नीति का स्वयं पालन नहीं कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे पत्र में उमा भारती ने जो है प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उमा भारती ने लिखा है कि हम सब पशु पक्षी और प्रकृति प्रेमी हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक व्यवहारिक समाधान इस समस्या का अवश्य निकालिए और इसके समाधान में अड़चन बनने वाले तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें और नियम अनुसार कठोर दंड दें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले कई दिनों से कुत्तों के काटने की खबरें सामने आई थी जिसमें छोटे बच्चों को काफी नुकसान हुआ था। कुछ बुजुर्गों के साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर उमा भारती ने पत्र जारी कर दिया है। देखना होगा कि मोहन यादव सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।